हेलो एवरीवन वेलकम टू सरोज चैनल चैनल में चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसमें अगर आपको आई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टीचर बनने का मौका मिले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आई को नहीं पढ़ाना है आपको उसके जो एफिलियेटेड स्कूल्स हैं वहां पर वैकेंसीज हैं पी आर और कुछ मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए वैकेंसीज हैं प्रॉपर गवर्नमेंट पे स्केल दे रहे हैं सरकारी पे स्केल जो फिलहाल सेवन पे स्केल चल रहा है वो एंड फी नहीं है काफी कैंडिडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑल एस सी एस टी एंड ऑल पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन कर सकेंगे बाकी जो भी कंडीशन uh, है वो आगे वीडियो में चेक करेंगे लास्ट डेट बहुत पास आ गई है तो वो देख लेते हैं और सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन अगर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं कैसे अप्लाई करना है कहां पर एडवर्टीजमेंट लोकेट करनी है सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी तो जो वैकेंसीज है वन बाय वन देखेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए वैकेंसीज है टेक्निकल ऑफिसर स्केल वन जूनियर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर वही जूनियर मतलब वही ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कोई ही जूनियर सीनियर एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा तो सीनियर बुलाएंगे मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है आर्ट में है साइंस है टेक्निकल ऑफिसर है टेक्निकल आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो ये चेक कर लें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी हिंदी है टीजीटी म्यूजिक है टेक्निकल ऑफिसर स्केल वन स्टूडेंट काउंसलर मतलब काउंसलर की वैकेंसी है प्राइमरी टीचर इंग्लिश के लिए है प्राइमरी टीचर मराठी के लिए है एंड इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मराठी है एंड टेक्निकल सुपरिनटेंडेंट बैकलॉग वैकेंसी है सबकी जो लास्ट डेट है ना बिल्कुल पास आ गई है मैंने पहले भी एक बार वीडियो बना के अपडेट की थी और क्योंकि आईआईटी की वैकेंसी है तो बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है इंटरेस्टेड भी हो क्योंकि आर्ट तो है ही सोशल साइंस या साइंस भी है ना साइंस है आर्ट है हिंदी म्यूजिक इसके बाद फिर इंग्लिश पीआरटी uh, में इंग्लिश है मराठी है ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके लिए फ्री है वो तो जरूर अप्लाई कर दें अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करनी है तो नाइन अक्टूबर इज द लास्ट डेट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन चलिए अब इसमें क्या है कि आईआईटी uh, कौन से आईआईटी से वैकेंसीज आई हुई ये समझते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज एट आईआईटी बॉम्बे अब इनका जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है ना ये डायरेक्ट दिखता नहीं है ये आईआईटी बॉम्बे जैसे आईआईटी एग्जाम क्रैक करना टफ होता है वैसे इनके जो करियर सेक्शन है उसको लोकेट करना भी बहुत टफ है इन्होंने ऐसे बहुत टफ बना के रखा है कैसे एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे ये मैं आपको एंड में एक्सप्लेन कर देती हूं सीधे सीधे इनकी एडवर्टीजमेंट सामने नहीं आती है तो कैसे आप एडवर्टीजमेंट विज्ञापन चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले जो है ना एक दो वैकेंसी चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले जो है ना एक मैंने ऐसे ओपन कर लिया रैंडम जूनियर और सीनियर वर्ड ये ऐसे ही यूज कर रहे हैं मतलब अगर कम एक्सपीरियंस है तो जूनियर बुला रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सीनियर बुलाएंगे बेसिकली मतलब ये है कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी एक मैं आपको चेक करके बता रही हूं जैसे जॉब टाइटल लिखा जॉब रेफरेंस नंबर लिखा एप्लीकेशन एंडेड टेम्पोररी ऑन स्केल है गवर्नमेंट पे स्केल देंगे फिलहाल टेम्पोररी है थ्री ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए रखेंगे बाद में अगर तीन साल के बाद इनको लगेगा तो ये परमानेंट भी कर सकते हैं तीन साल तो रहेगी जॉब और इसके बीच में आपको हो सकता है परमानेंट वैसे भी लग जाए केवीएसआर कहीं पर नंबर ऑफ पोजीशन यूआर अगर लिखा है जहां पर भी यूआर लिखा है मतलब किसी भी कैटेगरी के, के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर कहीं पर एससी लिखा है तो मतलब फिर सिर्फ एससी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे यू आर मतलब ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी अनारक्षित सीट है इसमें कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से एप्लीकेशन कर सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए हिंदी में फिफ्टी परसेंट या अब मार्क्स के साथ में सी होना चाहिए पेपर टू क्योंकि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है या महाराष्ट्र टेट भी है आपके पास तो भी चलेगा बी चाहिए और थ्री ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई नहीं कर सकते बाकी कंप्यूटर वगैरह की बेकिस्ती इन्फॉर्मेशन ये सब है प्रोफिशियंसी इन टीचिंग हिंदी अप टू टेंथ स्टैंडर्ड हिंदी में भी पढ़ाना आपको आना चाहिए क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी ही पढ़ाएंगे ना ऑब्वियसली थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड जो गवर्नमेंट पे स्केल अभी है टीजी टी के लिए थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड बेसिक पे देंगे या लेवल सिक्स देंगे या फिर लेवल सेवन देंगे फोर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड डिपेंड करेगा वो क्या देंगे वो लेकिन जो भी है गवर्नमेंट पे स्केल देंगे तो सारे अलावेंसेज वगैरह मिलेंगे सैलरी अच्छी बनेगी थर्टी टू ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन है दिस इज कॉन्ट्रेक्चुअल एज पर तीन साल कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा इसके बाद अगर उनको लगेगा तो वो कंफर्म कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते ये मान के आप अगर, अगर अप्लाई करना चाहते हैं 500 अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो फाइव हंड्रेड फीस नॉन रिफंडेबल है किसी भी हालत में फी आपको वापस नहीं करेंगे ये समझ के अप्लाई करना है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर एंड एडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए टू फिफ्टी बाकी जो एस सी एस फीमेल कैंडिडेट तो बच गया फीस किन के लिए मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए पांच सौ मेल कैंडिडेट ओबीसी नॉन एंड क्रीमिलूएस रुपीज इसी तरीके से बाकी आप चेक कर जैसे मैंने एक टीजीटी का आपको बताया सिलेक्शन में इनकी रिटर्न टेस्ट तो होगी ही हो होगी उसके बाद चाहिए तो ये इंटरव्यू लेंगे डेमो क्लास वगैरह लेंगे रिटर्न टेस्ट में आपका सिक्सटी परसेंट आना चाहिए इनिशियली पोस्ट वुड बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर थ्री इज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिलेक्टेड अपॉइंटेड स्टाफ मेंबर्स शैल बी में इसके बाद जो है ना तीन साल के कंप्लीशन के बाद में जो कैंडिडेट उनको अच्छे लगेंगे उनको वो सुटेबल पोस्ट ऑफर करेंगे मतलब परमानेंट पोस्ट ऑफर करेंगे और अगर नहीं लगेगा उनको अच्छा तीन साल के बाद तो वो टर्मिनेट कर देंगे तो ये आपको समझ लेना है पहले ही कि इट इज इनिशियली फॉर थ्री इयर्स एज में रिलैक्सेशन देखिये मिलती तो है तो यहां पर मिलनी चाहिए एससीएसटी कैंडिडेट को मिलनी चाहिए पांच साल की छूट मिलनी चाहिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को थ्री इयर्स की छूट मिलनी चाहिए या पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट को टेन इयर्स की मिनिमम अब आपको एडवर्टीजमेंट एक पीआरटी की भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें टीजीटी का तो सबका वैसे रहेगा म्यूजिक का अलग रहेगा क्योंकि एक आर्ट का भी चेक कर लेते हैं देखिए इसमें जब भी आप किसी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे ना तो इसमें यूजर पासवर्ड पूछने लगते हैं इसमें कैंसिल करना है आपको कैंसिल क्लिक करना है टीजीटी का देख लेते हैं क्या मांग रहे हैं टीजीटी मतलब आर्ट में क्या मांग रहे हैं टेम्पोर ऑन स्केल है यू आर लिखा है मतलब कोई भी एप्लीकेशन कैटेगरी यहां देखिए यू आर लिखा है मतलब कोई भी किसी भी जनरल कैंडिडेट या कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ये आर्ट विजुअल आर्ट पेंटिंग ड्राइंग स्कल्पचर ग्राफिक डिजाइन फाइन आर्ट वाले हैं तो इसमें बैचलर डिग्री अगर है फिफ्टी तो परसेंट या अब मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें बी वगैरह नहीं मांग रहे हैं है ना फाइन आर्ट वगैरह से देख ले बीएड नहीं है देख ले टेट नहीं है देख ले ऐसा आप देख ले एक बार मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है आप देख ले एक बार तो ये हो गया और इसके बाद जो है ना एक पीआरटी का देख लेते हैं पीआरटी इंग्लिश है तो पीआरटी इंग्लिश चेक कर लेते हैं जैसे ही आप किसी भी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो यूजर नेम पासवर्ड पूछते उसको कैंसिल करना है ठीक से ये ओपन भी नहीं होता है अब इसमें एससी कैंडिडेट लिख दिया पीआरटी में तो मतलब एससी कैंडिडेट्स के लिए है। तीन साल कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा इंग्लिश है, है तो इंग्लिश के लिए भी क्या मांग रहे हैं देख लेते हैं एस लिख दिया तो मतलब एससी कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई करेंगे बाकी करने का मतलब नहीं है क्योंकि वो लेंगे नहीं एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है मतलब अब इसमें क्या मांग रहे हैं ट्वेल्थ पास होना चाहिए फिफ्टी परसेंट यह अब मार्क्स के साथ में डीएड चलेगा टू ईय वाला या एंड सी पेपर वन चलेगा क्योंकि या फिर एसटेड भी चलेगा महाराष्ट्र से टेट है पेपर वन तो भी चलेगा दो साल वाला डिप्लोमा चलेगा स्पेशल एजुकेशन भी चलेगा तो या फिर बी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और, और ऐसा रहेगा एंड टीचिंग एक्सपीरियंस थ्री इयर्स का मांग रहे हैं तो हो गया फिर जॉब प्रोफाइल टीचिंग ऑल सब्जेक्ट प्राइमरी सेक्शन और इसमें इंग्लिश है तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही मांग रहे हैं मतलब ट्वेल्थ पास आपने आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से किया आपको इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट आना चाहिए पीआरटी में इंग्लिश लिखते हैं ऑल सब्जेक्ट होता actually, years, है एक्चुअली पीआरटी में थर्टी टू ईयर्स अपर एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट्स के लिए लेकिन यहाँ एस कैंडिडेट है तो उनके लिए थर्टी फाइव रहेगा नो फी पेबल फॉर एस सी पी एंड फीमेल कैंडिडेट एस टी तो है ही नहीं ना इसलिए तो इस तरीके से अब चले आई आई टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं कि कैसे आप एडवर्टीजमेंट खुद देख सकते हैं आई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे एक बार सबसे तो तो पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है और करियर सेक्शन पे क्लिक करना है करियर सेक्शन पे अप्लाई ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑप्शन पे चले आना है इसके बाद अप्लाई ऑप्शन पे स्टाफ uh, पे क्लिक कर लेते देखते हैं स्टाफ पे क्लिक किया पहले अप्लाई पे आना है फिर स्टाफ पे आना है और स्टाफ पे आने के बाद आपको जॉब लिस्टिंग पे क्लिक करना है जॉब लिस्टिंग पे यहाँ पे देखिए फ्रेश अप्लीकेट जॉब लिस्टिंग जॉब लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेंगे कि पासवर्ड यहाँ पे देख रहे हैं। आप पासवर्ड चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आपको पासवर्ड चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए नथिंग इज रिक्वायर्ड वे कैंसिल और यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए तो आपको यहाँ पे स्टार्ट कर दे तो स्टार्ट करते ही आपको जो है ना एडवर्टीजमेंट सारे के सारे दिखाई देने लग जाएंगे तो स्टार्ट पे आपको क्लिक कर लेना है आपने स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे सब वेकेंसीज आपके सामने आ गई और इसमें रेफरेंस नंबर कोड वगैरह दिया हुआ है इसी में जो है ना आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन भी आपको आएगा जैसे एक मैंने ओपन किया तो यहां पर देख रहे हैं आप अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है ये तो सबसे पहले आप कैंसिल करेंगे ऊपर जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा पहले आपको पढ़ना है अच्छे से समझना है और पीआरटी में इंग्लिश जरूरी नहीं है मतलब ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है तो ट्वेल्थ पास कोई भी डीएड है या बीएलएड है या स्पेशल एजुकेशन डीएड है तो अप्लाई कर सकते हैं फिफ्टी या यह मार्क्स होना चाहिए ट्वेल्थ में आर्ट साइंस कॉमर्स कोई भी चलेगा और सीटेड पेपर वन या फिर एस्टेड पेपर वन ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें इसकी एडवर्टीजमेंट सीधे सीधे नजर नहीं आती है क्या प्रोसेस है एडवर्टीजमेंट तक पहुंचने का वो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो को ढंग से एक बार एंड तक देख लें